राजसमंद से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार दिया कुमारी इन दिनों अपने प्रचार में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा को जिताने की वोट मांगे हैं, वहीं जनसंपर्क के दौरान वे लोगों के बीच पहुंची और उनकी समस्याएं जानी। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के साथ पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी भी उनके साथ नजर आई, जिन्होंने मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए लोगों से भारी मतों से दिया कुमारी के जिताने की अपील की है। वहीं दिया कुमारी के जनसंपर्क को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। दिया कुमारी से हमारी वरिष्ठ संवाददाता राखी जैन ने की खास बातचीत। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम है, राजस्थान में भी जगह जगह प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। इस समय हम आए हैं राजसमंद, जहां से भाजपा की लोकसभा सीट की उम्मीदवार दिया कुमारी हमारे साथ हैं। दिया जी से बात करते हैं, आखिर कैसा चल रहा है इस समय उनका राजसमंद में चुनाव प्रसार। दिया जी, आप यहाँ आई हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको राजसमंद में? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं, बहुत मान सम्मान मिल रहा है, जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही अच्छे दौरे चल रहे हैं, टाइम कम है तो हम लोग फिर भी हर एक पंचायत में, पंचायत मुख्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं और अचीव भी कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बार ये बात बार बार बाहर आ रही है कि आपको बाहरी बताया जा रहा है कि जयपुर से आप चलकर आई हैं, राजसमंद के लिए नहीं है, आपको कहीं ऐसा महसूस होता है? मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा, और ऐसा तो बहुत बार होता है, एमपी चुनाव बड़ा चुनाव होता है, तो आपने मैं ही क्यों, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कहीं और से कहीं और लड़ते हैं चुनाव। अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी ही केरला में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बाहर ही नहीं है क्या? और राजस्थान की बेटी हूँ मैं, तो राजस्थान में कहीं से भी चुनाव लड़ना मुझे नहीं लगता कि बाहरी समझा जा सकता है। राजसमंद की जीत अगर आपके खाते में आती है तो क्या सपने आपने सोचे हैं, क्या सोच है आपकी राजसमंद के लिए? बहुत सारे काम हैं जो, वैसे तो हरिओम सिंह जी जो हमारे जो यहाँ से पूर्व सांसद रहे हुए, उन्होंने बहुत सारे काम सैंक्शन करवा लिए हैं, लेकिन यहाँ ब्रॉडगेज की जगह जगह पे मांग है, तो एक वो मुख्य काम है, फिर फोलेन का काम है, फिर हॉस्पिटल है जो उसको भी इम्प्रूव करने की बात है, यहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर भी खुलवाने की मांग है क्योंकि बहुत सारे सैनिक परिवार यहाँ रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की समस्या थोड़ी है तो उसमें भी, उसके भी सोल्यूशंस कई जगहों पे तो सैंक्शनड ऑलरेडी लास्ट हमारी जब सरकार थी तब हो चुकी हैं, लेकिन इस सरकार ने ये सब सैंक्शंस रोक ली हैं, कई सैंक्शंस कैंसिल भी हो गई हैं, तो उन सबको फिर से शुरू करने की कोशिश करूँगी। क्या लगता है कि पब्लिक में किस तरह का रिस्पॉन्स है, क्या एक जो राजमहलों में पली बड़ी एक राजकुमारी आज हमारे बीच है, उनको कहीं लगता है कि दिया कुमारी अपनी सी हैं? देखिए, मैं पिछली बार अब जो हमारी सरकार थी उसमें विधायक थी सवाई माधोपुर से, तो ये तो बिल्कुल भी अब अप्लाई नहीं करता मुझ पर कि मैं राजकुमारी हूँ और मैं कहीं जनता के बीच नहीं रहती। मैंने 5 साल सवाई माधोपुर की सेवा की और जितना मुझसे बन पड़ा मैंने करने की कोशिश की, और मुझे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर लोग बहुत ईजिली मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि परिवार वालों के साथ हूँ, और बहुत ही यहाँ पर सरल लोग हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे यहाँ पर, बहुत इजीली घुल मिल गई हूँ मैं इन 5-6 दिनों में। क्या लगता है इस बार भी देश में मोदी जी की आंधी है? पूरी तरह से सुनामी है, और पिछली बार से भी ज़्यादा मेजोरिटी आने की उम्मीद है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ दिया कुमारी, जो इस समय राजसमंद से भाजपा के प्रत्याशी हैं और इस समय जगह जगह प्रचार प्रसार में लगी हैं, हर गांव पंचायत ढाणी में वो जा रही हैं। कैमरा पर्सन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, राजसमंद।